नमस्कार, मेरा नाम निखिल कुमार है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA प्रशिक्षित की है। मुझे शिक्षा में 20 वर्षों का अनुभव है, जिसमें 8 वर्ष सरकारी सेवा में रहते हुए हो चुके हैं। मेरे ज़िले की विशेषता यूँ तो कई है, ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध रहा है, और आधुनिक काल की बात करें तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनने में इसी चंपारण ज़िले ने का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे विद्यालय में 8 शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय में 507 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या विद्यालय में, यूं तो विद्यालय मेरा एक आदर्श विद्यालय है, आदर्श इस स्थिति में है कि समयबद्धता, निरंतरता और सभी गतिविधियों का सुचारू रूप से संपादन विद्यालय में किया जाता है। तथापि तकनीक से जुड़ाव, चूँकि ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है, इसलिए तकनीक का भरपूर उपयोग हम लोग नहीं कर पाते थे। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब पता चला कि तकनीक के माध्यम से बिना पैसा खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में गुणात्मक रूप से सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से भी मुझे अपने विषय की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से यूं कहें मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके सीखे। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री राजन पांडे सर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। यद्यपि अभी तो ये प्रशिक्षण को धरातल पर उतारना बाकी है, क्योंकि कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बच्चे अभी विद्यालय नहीं आ रहे हैं। तथापि सीखने और समझने के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि इस प्रशिक्षण से मुझमें जो सुधार आया है, पढ़ाने के तरीके में जो बदलाव आया है, उसका लाभ कहीं ना कहीं विद्यालय के बच्चों को भी निश्चित रूप से मिलेगा। और इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।